नमस्कार, स्वागत आपका India.com पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अल जवाहिरी के मारे जाने के बाद आतंकवादियों की रीढ़ कितनी कमजोर होगी, यानी आतंकवादी गुट जो पश्चिमी एशिया हो या दक्षिण पूर्व एशिया इंक्लूडिंग भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन सभी क्षेत्रों में जो अस्थिरता बना रखी थी उसको कितना नुकसान पहुंचा है। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने रक्षा विशेषज्ञ कमर आगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही है कि जब अलकायदा सरगना अयमान अल जवाहिरी मारा गया है, उसके बाद तालिबान जो कि इस समय अफगानिस्तान की सत्ता में है, वो अमेरिका पर और अमेरिका तालिबान पर आरोप लगा रहे हैं दोहा समझौते के उल्लंघन का, सच्चाई क्या है? देखिए, पहली बात तो ये कि अयमान अल जवाहिरी जो थे ये इंटरनेशनल टेररिस्ट थे, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी, इनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने घोषित कर रखा था। और दूसरी बात ये थी कि हर मुल्क का ये दायित्व था, जिसको भी जहाँ भी ये जाते इनको पकड़ता, अरेस्ट करता और उसके बाद इनको हवाले करना था अमेरिका के लिए, क्योंकि इनके ऊपर आरोप है, बल्कि प्रूफ हो चुका है कि ये लोग 9/11 यानी 9/11 का जो आतंकवादी हमला हुआ था अमेरिका में, उसमें इनका इन्वॉल्वमेंट है। तो ये कहना कि मैं नहीं समझता कि अमेरिका का पूरा हक था इनको मारने का। हाँ, ये ज़रूर है कि दूसरी बात ये भी है कि दोहा में इस समय जो सरकार है, दोहा में जिस समय बातचीत के बाद जो सरकार गठन में हुई तालिबान, उसको दुनिया के किसी भी मुल्क ने कोई रिकॉग्निशन नहीं किया। और मैं समझता हूँ अमेरिका ने उसी का फ़ायदा उठाया और इस तरह के अटैक किए। और दूसरी बात ये कि तालिबान ने ये आश्वासन दिया था अमेरिकन्स को कि वो अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी भी आतंकवादी या तहरीक का अड्डा नहीं बनने देंगे, लेकिन वहाँ पे अल जवाहिरी भी मौजूद है, अलकायदा भी मौजूद है, फिर उसके अलावा लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, पता नहीं कितने और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट में अभी आया है जो वहाँ से ऑपरेट कर रही हैं। पाकिस्तान धीरे धीरे इन ऑर्गेनाइजेशन को शिफ्ट कर रहा है अफगानिस्तान में भी, और वहाँ पे इनके ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह भी शुरू हो रहे हैं, इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है। तो अब तालिबान बिल्कुल वैसे ही हुकूमत बना रहे हैं जैसा जैसे पहले उन्हीं ने 1996 के दशक में बनाई थी। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फर्क है। अगला सवाल अगर मैं आपसे करूँ कि अल जवाहिरी के मारे जाने के बाद भारत के लिए ये खबर कितनी अच्छी हो सकती है और आतंकवादी संगठनों को इससे कितना कमज़ोर किया जा सकता है? देखिए, खबर तो अच्छी है, एक बड़े आतंकवादी हैं ये मारे गए हैं जी। ये भी संभव है कि नया नाम जो आ रहा है, सैफ अल आदिल का नाम आ रहा है, वो भी इजिप्शियन है। और दूसरी बात ये कि अलकायदा का जो असर है वो सबसे ज़्यादा नॉर्थ अफ्रीका और वहाँ दिखाई देता है, सहेल रीजन में, चैड, नाइजर, माली, कैमरून, फिर इधर क्या कहते हैं सोमालिया, सूडान या अल्जीरिया, इन देशों में, इजिप्ट, इन जगहों पे भी ये काफ़ी है। और इजिप्शियन इसमें काफ़ी आतंकवादी इन्वॉल्व रहे हैं, अलजवारी भी इजिप्शियन मूल के थे जी। अब दूसरी बात ये कि ये देखना है कि क्या वो जो नया चीफ बनेगा अलकायदा का, उसको कितनी मान्यता प्राप्त होती है, ये जो अलग संगठन है सब जो जुड़े हुए हैं अलकायदा से जी। और दूसरी बात ये है कि आदिल काफ़ी समय से पाकिस्तान में है, 90 के दशक में आ गए थे ये जो थे इजिप्शियन एयरफोर्स में रह चुके हैं पहले, हाँ जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, फिर उसके बाद इन्हीं ने अलकायदा को ज्वाइन कर लिया, अलकायदा के ऑपरेशंस में और इन सब चीज़ों में वो काफ़ी आगे रहे हैं, और इनके बड़े घनिष्ठ संबंध भी हैं ISI और स्पेशल टास्क फोर्स जो है पाकिस्तान का, उनके साथ मिल के इन्हीं ने काफ़ी काम किया है। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की मर्जी सबसे ज़्यादा चलेगी कौन अगला चीफ बनेगा, इसलिए अलकायदा में काफ़ी पाकिस्तान का हस्तक्षेप रहता है, काफ़ी डोमिनेशन है। दूसरी बात यह है कि इन्हीं लोगों ने
अलकायदा इन साउथ एशिया भी बनाया है, अलकायदा इन और इस तरह के इस क्षेत्र में काम करने के लिए बनाए हैं, जो कि बहुत सक्रिय नहीं हो पाए हैं। अब देखना ये है कि आने वाले समय में क्या दोबारा से इनकी नीति होगी कि साउथ एशिया पे काम किया जाए। साउथ एशिया के मालूम मतलब ये है कि इंडिया एंड बांग्लादेश, मालदीव, इन जगहों पे। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ज़रूर ये बात चाहेगा कि अलकायदा इन सब जगहों पे दोबारा से सक्रिय हो। आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, लेकिन पाकिस्तान इस समय फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट में बना हुआ है और लगातार आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर रहा है दुनिया भर के बड़े संगठनों की तरफ से, बड़े देशों की तरफ से दबाव बहुत सारे हैं। ऐसे में पाकिस्तान का अलकायदा में उतना हस्तक्षेप क्या उसे और पीछे नहीं ले जाएगा, उसकी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका ये नहीं होगा? नहीं, आपने सही कहा, आर्थिक संकट से गुजर रहा है अमेरिका का, प्रेशर है, FATF की ग्रे लिस्ट में है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक तो पाकिस्तान की जो बेसिक पॉलिसी है जी, जिसके माध्यम से ये सपोर्ट करता है आतंकवाद को, उसमें तो कोई बदलाव नहीं आया। दिखाने के लिए कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया, उनकी जगह नए खड़े कर दिए, कुछ के नाम बदल दिए, कुछ को बैन कर दिया, वो नए नाम से ऑपरेट करने लगती हैं, नए एड्रेस से काम करने लगते हैं, बैंक अकाउंट नए खुल जाते हैं जी। पाकिस्तान की जब तक ये पॉलिसी है जिसके माध्यम से वो आतंकवाद को सपोर्ट करता है, उसमें जब तक के बदलाव नहीं आएगा, मैं नहीं समझता कि कोई चीज़ बनने वाली है। टेम्परेरीली दिखाने के लिए कुछ कर दें वो बात दूसरी, FATF से बाहर निकलने के लिए दो चार एक्शन ले लें, दो चार लोगों को जेल में भेज दें। 9/11 के अलावा ये जो थे, क्या कहते हैं, 26/11 के आरोपी अभी भी पाकिस्तान के अंदर हैं, बहुत से हैं, उनको उनकी लिस्ट भी दी जा चुकी है, उनके एड्रेसेस भी दिए गए, मगर किसी एक को उन्हीं ने अरेस्ट करा जी। नहीं किया। भारत की डिमांड है कि उनको दिया जाए, उन्हीं ने, उनके खिलाफ यहाँ मुकदमे दर्ज हैं जी। तो इस तरह पाकिस्तान दिखाने के लिए भले कुछ स्टेटमेंट दे दे, कुछ चीज़ें, कुछ लोगों को अरेस्ट करके उनको हाउस अरेस्ट कर दे दिखाने के लिए, और वो वहाँ से अपने घर से ऑपरेट करने लगते हैं, उसी तरह रहते हैं जी। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी, हालांकि पाकिस्तान पे प्रेशर बहुत है जी, एक तरफ अमेरिका का प्रेशर है तो दूसरी तरफ चाइना भी है, चाइना चाहता है कि इस तरह की गतिविधियां चलती रहे, उसका फायदा भी है। यानी कि आपका ये कहना है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से ना तो पीछे बाज आया है और ना ही आने वाले समय में बाज आएगा, और इसका नुकसान पाकिस्तान के लोगों को होगा और क्षेत्रीय अस्थिरता को होगा। बिल्कुल, मुझे तो कोई बदलाव दिखाई देता नहीं। तालिबान सत्ता में आ गए, उन्हीं ने बात की थी मुल्ला बरादर ने, जो कि राजी हो रहे थे कुछ कंप्रोमाइज करने के लिए जी। उनको लग रहा था कि कंप्रोमाइज करना चाहिए तालिबान को, मुल्ला उमर के ग्रुप के थे, सबसे पुराना ग्रुप था वो, क्या हुआ उसके बाद, वहाँ कू हो गया जब सत्ता में आ गए, तो हक्कानी नेटवर्क ने कब्जा कर लिया वहाँ पे, और मुल्ला बरादर की पिटाई तक की गई, और झगड़ा भी हुआ उनके ग्रुप के साथ को लेके काबुल में, उनको काबिल छोड़ के भाग जाना पड़ा। तो इस तरह से पाकिस्तान ने पहले तो कराई उनसे, जिनका एक लिबरल फेस था बनाया था जिन्हीं ने अपना, फिर उसके बाद वही हक्कानी नेटवर्क, जो कि जिसमें कोई बदलाव नहीं है, बहुत कट्टरपंथी है, इसने बहुत से अमेरिकन्स को भी मारा है, भारत के भी बहुत से एस्टेब्लिशमेंट जो अफगानिस्तान में थे उनके ऊपर अटैक किए हैं, और अब धीरे धीरे अफगानिस्तान में वो वही पॉलिसी आती जा रही है जो 1996 में जब वो सत्ता में आए थे इंट्रोड्यूस जिस तरीके से किया था, वायदा इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने का, वो गवर्नमेंट भी नहीं बनी जी। वही तालिबान के ग्रुप हैं। तो ये तो मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई बदलाव पाकिस्तान की पॉलिसी में है। अगला सवाल सर मैं आपसे अगर करूं कि अलजवाहिरी के मारे जाने के बाद से POK यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत या पाकिस्तान की रणनीतियों में क्या कुछ बदलाव आपको दिखाई देता है? इमीडिएट तो कोई अभी इमीडिएट तो कोई नजर नहीं आ रहा है जी। और ये है कि लॉन्ग रन में क्या होगा ये कहना मुश्किल है, अभी तो इनकी हत्या हुई है जी। और हमने ये देखा है पहले भी कि जब बिन लादन साहब की हत्या हुई थी उसके बाद भी कोई बदलाव नहीं आया था, उसी तरह वो चलते रहे, हालांकि ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी कमज़ोर हो गई थी जी। अब दोबारा से वो उसको सक्रिय करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए फंडिंग पाकिस्तान मुहैया कराता है, बहुत से तरीके हैं उसके, गन रनिंग, ड्रग रनिंग,
और जो दूसरे जरिए हैं आप सभी जानते हैं जिस तरीके से फंड, उसके अलावा कुछ बड़े बिजनेसमैन हैं मुसलमान खाड़ी के देश के, वो पैसा भी भेज देते हैं जी। कुछ देश हैं जो भारत के खिलाफ हैं या नहीं चाहते कि अफगानिस्तान में इस तरह की हुकूमत बने, एक अमन शांति आए, वो भी फंडिंग टाइम टू टाइम अलग अलग उससे आ जाती है, उनके पास माध्यम से उनको मिल जाती है जी। तो ये है अब ऑक्युपाइड टेरिटरी में क्या होगा। देखिए ऑक्युपाइड टेरिटरी के ऊपर नजर तो चाइना की जी, चाइना वहाँ चाहता है तो उसका इकोनॉमिक कॉरिडोर वहाँ से गुजर रहा है, तो रोड और बड़े बड़े प्रोजेक्ट लग रहे हैं चाइना, और चाइना की कोशिश ये भी है कि वहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनको पाकिस्तान की सेना दबा के रखे और दबा भी जाए, वहाँ पे वहाँ की पॉपुलेशन में बदलती जा रही है धीरे धीरे, इससे बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगे हैं उसमें लोकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट कम है, बाहर से वर्कर खासतौर से पश्तून वर्कर लाए जा रहे हैं, बसाया जा रहा है उनको, या पंजाब के ठेकेदार कंट्रैक्टर को कंट्रैक्ट मिल रहे हैं, और बड़ी संख्या में चाइनीज मूल के लोग वहाँ पे हैं, वहाँ के लोकल भाषा लोकल कल्चर को इस समय बहुत बड़ा खतरा लग रहा है, वो रोज़ाना जिसे कहना चाहिए वहाँ पे प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, और चाइना यही चाहता है जैसे वो अपने मुल्क में करता है कि पूरा दबा दो पॉपुलेशन बदल दो, तो वही चीज़ें वहाँ पे पाकिस्तान भी कर रहा है उनके लिए। तो अलकायदा वहाँ पे ये ज़रूर हो सकता है कि जो वहाँ पे एरिया हैं पहाड़ी एरिया हैं उसके अंदर से कैंप में पहले भी वहाँ पे मिलिटेंट आतंकवादियों के शिविर रहे हैं, और हो सकता अभी भी होंगे कुछ ना कुछ शिविर तो हैं, हमेशा चलते रहते हैं, अलकायदा भी वहाँ पे बना लेगी ऑपरेट करके करती है, लेकिन डर उसको ये लगा हुआ है कि ये जो शिविर बनेंगे अब उसकी खबर अमेरिका को मिल जाएगी, और यह है कि अमेरिका उनको हम लोग को थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि क्या बदलाव आता है, किस किस्म का बदलाव आ रहा है संगठन में, आपस में तो लड़ाई नहीं हो रही नए लीडर को लेके, ये भी एक बड़ा मसला रहता है इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में, जब कोई लीडर बड़ा लीडर मरता है जो इंचार्ज होता है तो उसके बाद झगड़े भी बहुत होते हैं कुर्सी को लेकर कि कौन उत्तराधिकारी होगा, क्या अलकायदा में फिर कोई नई स्प्लिट होगी, एक बार तो हो चुकी है बिन लादेन के बनने के बाद ISIS बन गया था, क्या दोबारा जौहरी के बनने के बाद कुछ इस तरह का भी झगड़े का भी संभावना। अल जवाहिरी पर कितनी निपुणता से अमेरिका ने हमला किया है, अगर इसको मैं आपसे कहूं कि ब्रीफ में हमारे दर्शकों को समझाएं तो किस तरह से आप इसे कहेंगे, इस हमले को किस तरह से अंजाम दिया गया और क्या स्पेशलिटी थी अमेरिका के द्वारा अमेरिकी फौज के द्वारा इस हमले को अंजाम देने में? देखिए ये ड्रोन अटैक था, हेल फायर मिसाइल से किया उन्हीं ने, जो प्रेसिशन गाइडेड मिसाइल है जी, एक बार फीड हो जाए तो जहाँ पे पॉइंट पिन पॉइंट वहीं पे जाके अटैक करता है जी, और उसको इन्हीं ने जिस समय मारा है वो अपने घर की बालकनी में थे okay. केवल वही मरे, और ये मिसाइल है इसका रेंज बहुत ज़्यादा नहीं, 4-5 किलोमीटर रेंज है, तो इसके मतलब ये है कि ड्रोन्स काफ़ी करीब आ गया होगा, फिर उसके बाद वहाँ से 3-4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के डिस्टेंस से उसने इसके ऊपर अटैक किया, और अमेरिका और इसराइल ने इस तरह के बहुत से टारगेट पे अटैक किए हैं, चलती हुई गाड़ियों के ऊपर या घर घर में बैठे लोगों के ऊपर, मकानों को ध्वस्त किया है घनी घनी पॉपुलेशन में, जिस मकान को चाहते हैं पॉइंटेडली उसी मकान पे जाके बॉम्बिंग की है इसराइल के माध्यम से, तो ये टेक्नोलॉजी उनके पास काफ़ी समय से है, इसराइल भी यही बहुत समय से कर रहा है जी, तो इसमें मैं नहीं समझता कि मेरा ख्याल है इसराइल नहीं, मैं यही कह रहा था सबसे शक्तिशाली देश है और उसके पास इतनी टेक्नोलॉजीज हैं और पैसा भी है, तो कि ऑपरेशन करना कोई हाँ, और उसकी आर्मी इतनी ट्रेन है इराक और सीरिया और फिर उसके बाद अफगानिस्तान यमन और उसके अलावा जी जी देशों पे हाँ इस तरह के अटैक को पहले भी कर चुके हैं, तो एक्सपर्टाइज भी है उनके पास। हमारे साथ जुड़े थे जाने माने रक्षा विशेषज्ञ कमर आगा, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, आपने समय निकाला हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, और हम अपने दर्शकों का भी आभार जताएंगे, आप लगातार जुड़े रहिएगा इंडिया.com के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, धन्यवाद।